सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। पूर्व नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण जाधव से आज उनकी मां और पत्नी ने मुलाकात की। मुलाकात इस्लामाबाद में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में हुई। इस दौरान कुलभूषण को एक शीशे के केबिन में बंद रखा गया और माइक्रोफोन से बात कराई गई। मुलाकात को 3 कैमरों ने रिकॉर्ड किया। कमरे में 2 CCTV भी लगे हुए थे। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह भी मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें जाधव से बात करने की अनुमति नहीं दी। पाकिस्तान ने दावा किया कि ये मुलाकात मानवता के आधार पर कराई गई है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ द नेशन कायदे आजम मोहम्मद अली जिना। इट वॉज इन दिस लाइट दैट दिस डे वॉज चोजन फॉर द ह्यूमैनिटेरियन मीटिंग ऑफ कमांडर यादव विद हिज वाइफ एंड मदर। पाकिस्तान ने जाधव के परिवार को मुलाकात के लिए 30 मिनट का वक्त दिया था, लेकिन बाद में 42 मिनट तक ये मुलाकात चली। भारत सरकार ने इस मुलाकात को कूटनीतिक जीत बताया। मुझे लगता है कि 3-4 वर्षों में मोदी सरकार के चलते भारत के दृष्टिकोण को स्वीकृति मिल रही है सारे विश्व में। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने जासूसी के झूठे आरोप में 3 मार्च 2016 को गिरफ्तार किया था। माँ और पत्नी से मुलाकात के बाद पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव का एक डॉक्टर्ड वीडियो जारी किया। वीडियो में पाकिस्तान ने कुलभूषण से जबरन शुक्रिया कहलवाया। वीडियो मुलाकात से पहले ही रिकॉर्ड कर लिया गया था। इस वीडियो को 4 टुकड़ों में जारी किया गया। वीडियो देखकर साफ लग रहा है कि जाधव के सामने कुछ लिखा है जिसे वो पढ़कर बोल रहे हैं। वो कुलभूषण जाधव है कि नहीं वो भी समझ में नहीं आ रहा है, और जो उतना उनके एक वन साइड स्वेलिंग दिख रहा है और वो ऐसे पकड़ के बैठे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या क्या टॉर्चर किया है। जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को फांसी की सजा सुनाई थी। 18 मई 2017 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी थी। LOC पर पाकिस्तान की गोलाबारी में शहीद हुए लांस नायक कुलदीप सिंह का पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। पंजाब के बठिंडा में पैतृक गाँव में उन्हें अंतिम विदाई दी गयी। 5 वर्ष के बेटे ने मुखाग्नि दी। बड़ी तादाद में लोग इस मौके पर मौजूद थे। शहीद कुलदीप सिंह 2003 में बतौर सिपाही सेना में भर्ती हुए थे। पंजाब सरकार ने शहीद के परिवार को 12 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने लाहौर में अपनी पार्टी मिल्ली मुस्लिम लीग का दफ्तर खोला है। लाहौर के जिस इलाके में हाफिज ने अपना दफ्तर खोला है, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे हैं। मिल्ली मुस्लिम लीग को हाफिज के संगठन जमातुद दावा का समर्थन है। सितंबर में जमात के एक सदस्य ने इसी सीट से उपचुनाव भी लड़ा था। हालांकि मिल्ली मुस्लिम लीग को अभी तक पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक पार्टी के तौर पर रजिस्टर नहीं किया है। नोएडा के बोटेनिकल गार्डन और दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी के बीच मजेंटा लाइन मेट्रो आज से शुरू हो गई। पीएम मोदी ने बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर बटन दबाकर मजेंटा लाइन के पहले फेज की शुरुआत की। बोटेनिकल गार्डन से कालकाजी के बीच 13 किलोमीटर में कुल 9 मेट्रो स्टेशन है, जिसका सफर करने में कुल 19 मिनट का वक्त लगेगा। अभी ब्लू लाइन मेट्रो से मंडी हाउस और वहां से कालकाजी तक करीब 40 मिनट का वक्त लगता है। पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल राम नाईक के साथ बोटेनिकल गार्डन से ओखला बर्ड सेंचुरी मेट्रो तक सफर भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में एक अंधविश्वास को आज तोड़ दिया। योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती है, आधुनिक युग ऐसा हो नहीं सकता, और इसलिए मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल्द ही कानपुर और आगरा में भी मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी। हम लोग एक बार उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से इस बात को कह सकते हैं कि अब परिवारवाद, वंशवाद और जातिवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह समाप्त होगी। मुंबई में आज देश की पहली AC लोकल ट्रेन की शुरुआत हुई। बोरीवली स्टेशन से सुबह 10:32 पर पहली AC लोकल ने चर्च गेट तक की यात्रा तय की। मुंबई AC लोकल में एक बार में करीब 6,000 यात्री यात्रा कर सकेंगे। AC लोकल ट्रेन रोजाना 12 चक्कर लगाएगी, लेकिन शनिवार और रविवार को नहीं चलेगी।
मुंबई एसी लोकल में न्यूनतम किराया 60 रुपए और अधिकतम किराया 205 रुपए रखा गया है। मुंबई लोकल में रोजाना 65 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं। अकेले वेस्टर्न लाइन पर 35 लाख से ज्यादा यात्री हैं। एसी लोकल सेवा वेस्टर्न लाइन पर ही सबसे पहले शुरू की गई है। विजय रूपाणी कल गुजरात के मुख्यमंत्री और नितिन पटेल उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण सुबह 11 बजे गांधीनगर के सचिवालय मैदान में होगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित 18 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार के 30 मंत्री भी शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे। विजय रूपाणी के साथ 8 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 13 राज्य मंत्री भी शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। विजय रूपाणी लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 182 में से 99 सीटों पर जीत हासिल की थी। संसद में इसी हफ्ते ट्रिपल तलाक के खिलाफ बिल पेश किया जाएगा। हालांकि संसद में बिल पेश किए जाने से पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सवाल उठाए हैं। AIMPLB ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो ट्रिपल तलाक के खिलाफ बिल को वापस ले ले। डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक बुनियादी उसूल है, इसको टोटली इग्नोर करके एकदम जम करके किसी से बात किए बगैर ये जिस तरह टेबल किया जा रहा है, इससे तो खुद उनकी नीयत की खराबी का अंदाजा होता है। मोदी कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ बिल को 15 दिसंबर को मंजूरी दी थी। इस बिल के तहत अगर कोई व्यक्ति ट्रिपल तलाक अपनी पत्नी को देता है तो इसे गैर जमानती अपराध माना जाएगा और उसे 3 साल की सजा भी हो सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज 93वां जन्मदिन है। दिल्ली में उनके आवास कृष्णा मेनन मार्ग पर जन्मदिन की बधाई के लिए पीएम मोदी सहित कई जाने माने लोग पहुंचे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी वाजपेयी जी को बधाई दी। आज दो भारत रत्न उनका भी जन्मदिन है। एक भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी और दूसरे भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को बीजेपी ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया। यूपी सरकार ने वाजपेयी जी के 93वें जन्मदिन पर 93 कैदियों को रिहा किया। यूनाइटेड नेशंस में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी एनम गंभीर से शनिवार को 2 बाइक सवार मोबाइल छीनकर भाग गए। ये घटना दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुई। एनम छुट्टियां बिताने भारत आई हैं। शनिवार रात को वो डिनर के बाद अपनी मां के साथ घर से टहलने निकली थी, तभी बाइक सवारों ने रास्ता पूछने के बहाने उन्हें रोका और मोबाइल छीनकर भाग गए। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। हालांकि अब तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।